नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और मैं बता दूं आपको दोस्तों कि हमारे सनातन धर्म का प्राकृतिक और देखा जाए तो पंडाल का कार्यक्रम चल रहा है और नवरात्र का महीना चल रहा है, इसको हम शारदीय नवरात्र कहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं दोस्तों आपको पचकोसी का पंडाल दिखाने वाला हूं और कैसे क्या क्या सजाया गया, वो सब चीज़ों को दिखाने में। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि पचकोसी का पंडाल कैसे लगा। तो दोस्तों आप जो इस रास्ता देख रहे हैं, आपका आता है कजाकपुरा से, कजाकपुरा होते हुए आपका चला जाता है आशापुर, आशापुर से सारनाथ। और कुछ ऐसा नज़ारा है, आज बारिश हुई है तो बारिश की वजह से चारों तरफ कीचड़ हो चुका है। हालांकि आज छठा दिन है और कल सप्तमी है, सप्तमी के दिन ही हर पंडाल का मुख खुल जाएगा माता रानी का। और कुछ ऐसा नज़ारा आप देख सकते हैं। इस समय हैं हम पचकोसी चौराहे के पास, आइए आपका पचकोसी परिक्रमा मार्ग भी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक दिन पहले का आपका पंडाल का दृश्य दिखा रहा हूं। और ये पवन पूजा परिषद और ये आपका पंडाल लगा हुआ है ऊपर की ओर, आप देख सकते हैं। और लाइटिंग की व्यवस्था काफ़ी अच्छी की गई है। अभी आज तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, लेकिन अगले दिनों में मैं खड़ा नहीं रह पाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग जाती है यहाँ पर। तो कुछ ऐसा नज़ारा है दोस्तों, समय हो रहा है रात के आपका 9:20 हो रहा है और लाइटिंग की व्यवस्था हो चुकी है पूरा का पूरा। और आज का दिन है तो मैं सोचा क्यों ना एक दिन पहले आपको दिखा दूं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि देखिए अगर कल के डेट में बात की जाए तो कल यहाँ पे साउंड सिस्टम और गाना बजेगा तो उससे कॉपीराइट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि एक दिन पहले आके मैं वीडियो शूट करके आपको दिखा देता हूँ कि पचकोसी पे क्या हाल है और कैसे पंडाल को सजाया गया है। तो ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का पंडाल, आप देख सकते हैं। और ऊपर अपना तिरंगा का शान, पवन पुत्र पूजा परिषद के सभी पदाधिकारी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। और देख सकते हैं पंडाल के बगल में ही दुकान लगी हुई है। और कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें बनारस की कलाकृति को झलकाई गई है। तो नया नया में देखा जाए तो खिड़कियों घाट का, खिड़किया घाट का दिखाया गया है सिंबल। और ये अपने सारनाथ जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, सारनाथ का स्तूप दिखाया गया है। और ये अपना भारत का राष्ट्रीय झंडा और ये आपका इंडिया गेट है। और इसकी बात की जाए तो अपना भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोका पिलर, अंदर से कुछ अच्छा ऐसा नज़ारा है दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दोस्तों दिखाना चाहता था कि पंडाल काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया गया है यहाँ का। देख सकते हैं भैया यहाँ पे झूमर लगाने का काम कर रहे हैं, अभी ये झूमर के लिए तैयारी कर रहे हैं। इन लोगों का देखा जाए तो काफ़ी मेहनत करते हैं जो कि पंडाल को लगाना और इन सब चीज़ों को ध्यान में देना, क्योंकि भाई यात्री हैं और जो जो श्रद्धालु है वो लोग आएंगे दर्शन करके चले जाएंगे, लेकिन इसके पीछे का जो मेहनत होता है भाई लोग ही मेहनत करते हैं और इन्हीं लोगों की वजह से सब चीज़ें संभव हो पाता है। तो आप कुछ देख सकते हैं ऐसा नज़ारा है अंदर का। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर में लाइटिंग, काफ़ी प्यारा सुंदर सा दृश्य है यहाँ का, जो शब्दों में बता पाना थोड़ा मुश्किल है दोस्तों। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी।
देखिए आपको क्या करना है, सिंपल सा मुद्दा है, आपको यूट्यूब चैनल को मेरे ट्रैवल विद स्माइल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो सिंपल सा मुद्दा आपको बताया क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद स्माइल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।